दोस्तों आप लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी एक एंड्रॉइड सेल फोन यूज कर रहे हो, अगर आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो और जब आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको एरर देखने मिल रहा है, आई कांट इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में चला जा रहा है और जिसके बाद आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। ये एरर बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिसके बाद किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे अपने मोबाइल में। तो इसका जो भी सॉल्यूशन है आपका भाई आपको बताने वाला है टेक्निकल सुनील शर्मा। वीडियो में आगे देखना, जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वो पूरी सेटिंग अपने सेलफोन में अप्लाई करिएगा, फिर देखिएगा जितनी भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे बड़े आसानी से आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने लग जाएगा। वीडियो में आगे देखते हैं पूरी सेटिंग और किस तरीके से जो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में जा रहा है उसको सॉर्ट आउट करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना इस लेटेस्ट और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो देखते हैं आगे वीडियो में किस तरह जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग में जा रहा है उसको सॉर्ट आउट। दोस्तों जब आप प्ले स्टोर पे आते हो और आप सर्च करते हो किसी भी एप्लीकेशन का नाम या कोई भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना चाहते हो और आपने एरर देखा होगा जब भी उस पर क्लिक करते हो इंस्टॉल करने के लिए तो वो पेंडिंग में चले जाता है और पेंडिंग में जाने का तो पेंडिंग में ही रह जाता है जिसके बाद वो इंस्टॉल नहीं होता आपके सेलफोन में। तो किस तरीके से इस एरर को सॉल्व आउट कर सकते हो और किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहो तो बड़े इंस्टॉल आसानी से कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको आ जाना है आपके सेलफोन के होम स्क्रीन पर और आपको चले जाना है सेटिंग के ऑप्शन पर। सेटिंग पे आते ही आपको होम स्क्रीन पे इस तरह का इंटरफेस देखने मिल जाएगा। आपको सिंपली स्क्रॉल अप करना है और आपको सर्च कर लेना है ऐप्स, आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करते आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे जहां आपको डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, अनयूज ऐप और आपको यहां बहुत सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, सी ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपको सिंपली सर्च कर लेना है प्ले स्टोर, आपको प्ले स्टोर सर्विस आपको दिख जाएगा, गूगल प्ले सर्विस आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएंगे स्टोरेज एंड कैचे, आपके सेलफोन में दिखेगा आपको स्टोरेज एंड कैचे पे क्लिक करना है। आपको यहाँ ऑप्शन है कैचे और आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा स्टोरेज, आपको इस पर क्लिक करना है। जितना भी आपके पास यहाँ आ रहा है क्लियर डेटा ऑल, आपको किसका डेटा पूरा क्लियर कर देना है। जैसे आप क्लियर कर दोगे आपको पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा और जिसके बाद जितने एरर बग्स होंगे प्ले स्टोर के वो डिलीट हो जाएंगे। ये करने के बाद आपको सिंपली वापस आ जाना है बैक और आपको यहाँ दिखेगा गूगल प्ले स्टोर, इसमें सेम सेटिंग करना है आपको, स्टोरेज एंड कैचे में जाना है, क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना है और इसका जो भी डेटा है पूरा क्लियर कर देना है। सेम कैचे पे भी करना है आपको, पूरा कैचे और डेटा क्लियर कर देना है। इसके बाद जो भी आपका प्ले स्टोर होगा वो रिबूट हो जाएगा, जितने एरर बग्स होंगे सब रिमूव हो जाएंगे। अब आप जब भी किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहोगे वो आपके सेलफोन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग में जा रहे हैं सब इंस्टॉल होने लगेंगे बड़े आसानी से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना इसका लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सब